नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन बताऊंगा जो कि चर्म रोग के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ब्लड को ये साफ़ करने वाली मेडिसिन है और थोड़ी रेयर मेडिसिन है, मिलने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑनलाइन अगर आप ट्राई करेंगे तो मिल जाएगी। तो इसका जो ये है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, कॉमन नेम है बारडोक नाम से जो है कॉमन नेम है इसका। मेडिसिन का नाम मैं आगे चलकर आपके वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों, मैं YK गुप्ता आपके YouTube चैनल HM फॉर यू रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। है एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और मेन तौर पर चर्म रोग में, स्किन डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका जो प्लांट है वो ऑस्ट्रेलिया जापान में पाया जाता है। 3 मीटर तक लंबा होता है, मतलब 10 फीट के करीब होता है। ग्रेटर बर्डोक नाम से जाना जाता है। तो ये रिंग वॉर्म्स, एक्जिमा, बॉयल्स जो हैं, पिंपल्स, मतलब जो यहाँ से जो है नेक से ऊपर जो का एरिया है, जैसे यहाँ बार बार पिंपल होते हैं फेस पे, या एक्जिमा की प्रॉब्लम है, या सिर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा, तो इन केसों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यूटराइन डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाता है, यूट्रस का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, एक्जिमा ऑफ स्कैल्प है, वहाँ पर पस हो जाती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और पस और खुजली होती है, उनमें पीप भरा रहता है दानों में, फेस पर कील मुहासे होते हैं, खुजली जो है बहुत ज़्यादा होती है और पस तक निकलती है उस मुहासों में। तो इस तरह के जो हैं इसमें स्किन के सिम्टम देखने को मिलते हैं। स्किन पर जो है, आइज़ पर जो है स्टाई हो जाती है, जिसे हम गुहरी बोलते हैं या आम भाषा में इंजन आरी बोलते हैं, अगर वो स्टाई हो जाती है तो बहुत अच्छी रेमेडी है उसके लिए भी ये। रिंग वॉर्म्स होने में जो है कई बार अल्सर हो जाते हैं, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट जिनको स्किन की एक बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर उनकी जो है अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, घाव जल्दी से भरता नहीं, तो डायबिटीज़ इसके लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, तभी आपका अल्सर ठीक होगा। तो ये मेडिसिन डायबिटीज़ वालों के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा अल्सर बनते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं और घाव ठीक नहीं होते, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फीमेल्स में यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाता है, यूट्रस सरक जाता है और वहाँ पर सीवियर पेन रहता है, एक तरह का कुचलन का एहसास होता है, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर मेल्स में जो है यूरिन की प्रॉब्लम हो, यूरिन में जलन होती हो, उस केस में भी बहुत अच्छी दवा है। और इम्पोटेंसी की शिकायत हो मेल्स में तो भी बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद में तो ये बहुत समय से यूज़ होती रहती है एज ए डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के रूप में, ये जो है ब्लड को साफ़ करने की बहुत अच्छी क्षमता रखती है। तो नेक के ऊपर जो है, नेक का ऊपर का जो रीज़न है जहाँ पर दाने निकल रहे हैं, छोटे छोटे बालों यहाँ पर जो है स्काल्प में दाने हो गए हैं और उनके कारण बाल झड़ रहे हैं, स्काल्प में बहुत सारे दाने निकल रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। स्टाई निकल रही है, स्टाई में क्या होता है कई बार मल्टीपल स्टाई निकलती है और उसके बाद वो फूट जाती है, मतलब वहाँ पर घाव बन जाता है, तो स्टाई में जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। स्टाई में जो है इसकी 200 पोटेंसी आप यूज़ करें सुबह शाम कुछ दिन तक, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इस टाइम में अगर जो है वहाँ पर फटकर कई बार घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फीमेल में जो है यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट हो, डिलीवरी अगर घर पर होती है तो वहाँ पर क्या होता है, यूट्रस का बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, भारीपन और सोरनेस रहता है, तो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जिनको मल्टीपल वेजिनल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी रहती है, मतलब वेजिनल डिलीवरी, तो वेजिनल का जो टिशू है, वेजिना का जो टिशू है, टिश्यू जो है लूज़ हो जाता है, तो टिश्यू बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। वहाँ को पर इसको आप 1 mg पोटेंसी में हफ्ता में एक बार यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। तो मतलब स्किन डिजीज़ के लिए एक तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। कहीं पर भी बार बार फोड़े होते हैं, फुंसी होती है, घाव होता है, अल्सर होता है, हाँ, हालांकि इसके लिए एंथ्रासिनम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको भी आप यूज़ करेंगे तो ये आपके ब्लड को प्यूरीफाई करेगी। आयुर्वेद में ब्लड प्यूरीफायर की यूज़ होती है, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ होती है। तो दोस्तों, मेडिसिन का नाम है लापा अर्टिकम भी बोलते हैं, LAPPA, लापा ARCTICUM करके इसकी स्पेलिंग है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका नाम दे दूंगा, लापा अर्टिकम के नाम से
ये जानी जाती है। बहुत ज़्यादा स्किन के सिम्टम रहते हैं, बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है, बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो लापा आर्टिकम का आपको मदर टिंचर जो है 10-10 बूंद आधे कप पानी में लेंगे। जिनको स्किन से रिलेटेड जो भी पिंपल्स हैं और ऐसी प्रॉब्लम है, तो 10-10 बूंद आधे कप पानी में लेंगे, या फिर इसकी 3x पोटेंसी की 4-4 गोली दिन में 3 बार लेंगे, या फिर 30 CH जो है 5-5 बूंदे डायरेक्टली टंग पर लेंगे कुछ दिन तक। तो जो स्किन की सारी समस्याएं हैं, चाहे वो बालों में दाने हों और बाल झड़ रहे हों, एक्जिमा ऑफ स्कैल्प हो, पस हों, छोटे छोटे दाने हों, ग्रुप में फोड़े फुंसी निकल रहे हैं, अल्सर हो जाता है डायबिटीज़ वालों को, तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है उसको दबाइए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है उसको दबाइए, और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मेडिसिन का नाम एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, लापा आर्किटिम, LAPPA, लापा ARCTIUM, लापा आर्टिकम का मदर टिंचर आपको यूज़ करना है, या 3x या 30 पावर में, जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैंने बताया उस तरीके से यूज़ करना है। तो दोस्तों HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।